हैं बेटा, मिलो तो बता दो। पर पेंटिंग कला जो है वो क्या, मैं अलग किस्म का कलाकार हूँ, मेरी कला अलग है, उनकी कला अलग है। मुझे ब्रश पकड़ना तक नहीं आता। हाँ, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना कर सकता हूँ, तो समझ में आता है लेकिन कर नहीं पाता। देखिए, मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि वो मुझे, एक तो वो पात्र मिला, और मिला तो फिर वो बन गया। देखिए, कोई भी अभिनेता स्वयं अपने किरदार को नहीं बनाता है, उसमें बहुत लोग होते हैं, लेखक होते हैं जो लिखते हैं, आपका पात्र लिखते हैं, आपका नाम भी तो लेखक के वहाँ से या कलम से आता है, तो फिर वो किस तरह से बोलेगा, क्या बोलेगा, ये सब लेखक देता है। फिर हमारे निर्देशक होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, फिर हमारे प्रोड्यूसर होते हैं जो पैसा डालते हैं, तो वो अलग बात है। वो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है, कसौटी ख़त्म हुई, और 9 साल बाद एक नया अध्याय कसौटी का शुरू हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि एक बात कॉमन है तब में और अब में, कि जो मुखिया है उस धारावाहिक की, वो एकता कपूर है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो तब कर पाई हैं तो इस बार भी कर पाएंगे। हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे कई एक्टर हैं जो नए अभिनेता हैं और जो ये रोल कर सकते हैं, तो उस समय भी बहुत लिस्ट में बहुत सारे नाम थे, और इसलिए मैंने आदिल से कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये काम करने का अवसर मिला। तो अभी देखते हैं कौन आता है। स्मृति रानी पे जानना चाहूँगा, आज इलेक्शन है, जी आपकी पोस्टर रह चुकी है जी। आई ऑलरेडी गिवन माय बेस्ट विशेस। आई डिडंट नो। मैं अब इनसे मिलाना चाहता हूँ, और ये नंदिनी जी हैं, और मैं परमेश जी के लिए यहाँ आया हूँ। उसकी एक वजह, उसका एक कारण नंदिनी जी भी है, क्योंकि परमेश जी का एक संदेश नंदिनी जी के थ्रू आया, और वो बड़ा ही भावुक मैसेज था, और नॉर्मली मैं इतना दूर आता नहीं हूँ, आप सबको पता है मैं घर से नहीं निकलता, लेकिन वो संदेश ने मुझे, वो संदेश मुझे यहाँ तक लेके आया, और परमेश जी का मैंने काम देखा, और मुझे खुशी है कि मैं आज